नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का सोशल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। एक और जहां चुनावी रिजल्ट में मीडिया से लेकर मोदी सरकार पूरी गदगद है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जश्न मनाने में बिजी है, तो वहीं दूसरी ओर मणिपुर के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। सर्द मौसम में वहां के लोगों के पास ना तो रहने को छत है और ना ही खाना खाने को कुछ भी बचा है, लेकिन इस सब से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें तो जीत का जश्न मनाना है। क्या पीएम मोदी मणिपुर के देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या मणिपुर के लोग इस देश के वासी नहीं है? क्या मणिपुर के लोगों के प्रधानमंत्री जो हैं प्रधानमंत्री मोदी नहीं है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय जनता सरकार पर उठाए जा रहे हैं, यानी बीजेपी की सरकार पर उठाए जा रहे हैं। क्या मीडिया बस चुनाव ही दिखा सकती है, क्रिकेट दिखा सकती है, बीजेपी का जश्न दिखा सकती है, बीजेपी में क्या चल रहा है ये दिखा सकती है, पीएम मोदी कहाँ जा रहे हैं ये दिखा सकती है, इसराइल तक जा सकती है, मगर महीनों से मणिपुर जल रहा है क्या वो ये सब नहीं दिखा सकती? क्या उसके लिए ये दिखाना जरूरी नहीं है? यहाँ तक कि मोदी जी दुबई चले गए, चुनावी राज्यों में धुआंधार रैलियां कर डाली, तमाम पैसा चुनावी रैलियों में बहा दिया, लेकिन क्या मणिपुर जाएंगे? क्या सिर्फ मोदी जी वहीं जाते हैं जहां पर उनका कैमरा जाता है? यानी इस तौर से समझा जाए तो आप पूरे सिनेरियो को समझिए कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ वहीं जाना पसंद करते हैं जहां उनका कैमरा दिखता है, चाहे वो मंदिर हो या फिर सऊदी या फिर कहीं सैर सपाटा करने। ऐसा एक नहीं कई बार भी हुआ है, कई सवाल सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मणिपुर के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। मोदी जी फाइटर प्लेन की सैर करके आ गए, उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई जो हम आपको डिस्प्ले पर चलाकर भी दिखा रहे हैं। दुबई चले गए मगर मणिपुर में उनका कोई कैमरा नहीं गया है अभी तक। आखिर क्यों? क्या सारी जिम्मेदारी इस सब की कांग्रेस ने ही ले रखी है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ कांग्रेस के ही युवा हैं जो मणिपुर में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, वहां पर उन्हें खाना खिला रहे हैं, उनको छत दे रहे हैं, ताकि मणिपुर के लोग भी वहां पर चैन की सांस ले सकें और अपना जीवन जी सकें और अपने जीवन को सही से बिता सकें। हाल ही में कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने मणिपुर के लोगों के साथ जाकर बात की और लोगों में जाकर सर्दी के मौसम में उन्हें बचाने की कोशिश की, गर्म कपड़े और ज़रूरी सामान उनको दिया ताकि वो अच्छे से अपना जीवन बिता सके, जिसका वीडियो भी उन्होंने अपने अकाउंट पर शेयर किया है। सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मणिपुर का जो कुकी एरिया में जो हमने एंट्री किया, ये सीमेंट्री जो एंट्रेंस है, यहाँ जो रिलीफ कैंप है यहाँ काफी परिवार यहाँ रह रहा है। एक बार कोई भी देखेगा इतना दुख होता है कोई सोच नहीं सकते, छोटे बच्चे से लेके माँ जो ओल्ड एज लोग है किस तरीके के जी रहा है, हमारा देश में हो रहा है, मीन्स वो भी मणिपुर। तो कहीं ना कहीं सरकार को जल्दी से जल्दी इस पे इन्वॉल्व होना चाहिए, इसको हल निकलना चाहिए, क्यों लगभग हो रहा है ऑलरेडी 8 महीने हो रहा है तो 40,000 लोग के ऊपर लोग अभी भी जो रिलीफ कैंप में रह रहा है और इन लोग कितना दिन रहना है। बच्चे लोग से हम काफी बच्चे से मैं बात कर रहा था, उनको कहना है अपना घर जाना चाहते हैं, अपने स्कूल जाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदार अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कोई भी सामने से देखेगा वो अंदर का जो दुख है ना मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। मैं भगवान से भी मैं प्रेयर करता हूँ जल्दी से जल्दी भगवान इन सब जो 40,000 लोग है कैंप में उनको शक्ति दे, ये जो भी समस्या है ये समस्या जल्दी निपट जाए। ये आज का सच है जिसे कोई भी मीडिया नहीं दिखा सकती, खासकर गोदी मीडिया। गोदी मीडिया को तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का गुणगान करना है और चाटुकारिता करनी है, क्योंकि किस तरीके की वो पत्रकारिता करते हैं ये आप भी जानते हैं। उन खबरों को दिखाते हैं जिससे बीजेपी आहत ना हो, उन खबरों को दिखाते हैं जिससे मोदी जी की छवि पर असर ना पड़े और ना ही देश को सच से रूबरू गोदी मीडिया कराती है। चुनावी रिजल्ट के बीच आई इस तस्वीरों को देखकर सभी हैरान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना ही अपनी सरकार बनाने का चलाने का डंका पीट ले, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। देश के ही लोगों को वो दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं, इस वीडियो के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपके इस खबर को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोशल न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।